पार्वती के मुद्दे में कहा है, पति पावन वास्तव में गंगा को नहीं ब्रह्मपुत्र को कहा जाए, मेला भी उनका लगता है। यह भी सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है। बाप कहते हैं ना, मैं फीमेल हूँ, जिस द्वारा मैं फीमेल हूँ। बाप कहते हैं मैं फीमेल हूँ, कैसे? जिस द्वारा एडॉप्शन होती है। यह गुहिया बातें समझने की है जो प्राय लोग हो जाती है। बाप कहते हैं मैं फीमेल हूँ। बाप कहते हैं ना मैं फीमेल हूँ। बाप कहाँ कहते हैं मैं फीमेल हूँ? लेकिन ऐसा है, देखना देखना दोबारा देखना, कोई मुझे आज यहाँ दोबारा देख लेना है, मुरली हमें दिखाना। तो बाबा अभी तक कहते हैं मैं स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री बना देता हूँ। ये तो मिसेज सुभाष माता है, कहती मैं स्त्री, मैं भगवान को भी स्त्री, स्त्री से पुरुष बना देती हूँ। देख लेना ध्यान से। मामू बाबू में ब्रह्मा बाबा जाते हैं तो अव्यक्त वाणी में बाप दादा राम दादा करते हैं, तो बाप राम बाप कहते हैं। अव्यक्त वाणी में बाप दादा कहते हैं, माने अव्यक्त वाणी में, अव्यक्त वाणी जो है वो बाप दादा शब्द नहीं बोल सकते, लेकिन बाप कौन सा जाता है ब्रह्मा बाबा के साथ? बाप तो बाप ही है, दादा तो दादा ही है। बाप कहेंगे शिव बाप, जो बिना साकार बाप के होता ही नहीं है, वो उसका मुकर्रर रथ है। तो मुकर्रर रथ जो है वो राम बाप का है ना, इसलिए राम बाप कहा जाता है। कृष्ण बच्चा है, वो भाइयों में बड़ा भाई है, पहला पत्ता है, इसलिए दादा है। बाप और दादा दोनों जाते हैं मामू बाबू में। बाप जो है वो बिना साकार बाप के कोई काम नहीं करता, बोलता भी नहीं। कौन है बाप? वो बाप कौन है? उस आत्मा का नाम क्या है? शिव। वो बोलेगा तो कोई मुख से बोलेगा ना, तो कौन सा मुख है? प्रजापिता ब्रह्मा बस। राम राम हाँ। भावना की बात बताई, भाव प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म बल कैसा भी हो लेकिन भावना उसमें प्रधान देखी जाती है। जैसी जैसी भावना होती है वैसा वैसा फल मिलता है। वही बात है सबरी की बेर में दिखाई है, उस भाव की प्रधानता को लक्ष्मण ने नहीं पहचाना, राम ने पहचान लिया। और हाँ जी, आत्मा जब शरीर छोड़ती है, हाँ, 4 महीने पहले अपना चोला तैयार करती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा होने की कोई बात नहीं। जो वाइब्रेशन है, जो उसके पाप पुण्यों का पुण्य है, पाप पुण्यों के आधार पर ही वो पहले से निश्चित हो जाता है
कि अभी इस आत्मा को शरीर छोड़, कोई कोई को तो पता भी लग जाता है कि हमको शरीर छोड़ना है, बाकी सबको पता नहीं लग सकता। वे सब इतनी ऐसी स्टेज अच्छी स्टेज में नहीं होते। हाँ बाबा, धर्म जो है, धर्म का विरोध करना अधर्म है। धर्म क्या है? सत्य। सत्य क्या है? विष्णु बाबा आकर ज्ञान देते हैं, गीता। क्या ज्ञान देते हैं? कि सृष्टि का उद्धार करता जो है वो कृष्ण नहीं है। हैं? सृष्टि का उद्धार करता कृष्ण नहीं है, शिव बाबा है। बस यही सत्य है। यही सत्य तो उत्थान का कारण बनता है ना बाबा। अरे धर्म क्या है? धारणा जिसकी की जाए। तो यही तो धारणा किया है बाबा जो। नहीं, धर्म है स्वधर्म। क्या धर्म है? सधर्म। आत्म की स्थिति में स्थित रहना यही धर्म है। लेकिन बाबा द्वापर से जो हमने गणना की है और वो हम देह की स्थिति में आ गए, तो वही तो कारण बना ना। वो धर्म नहीं है, वो अधर्म हो गया। इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, वो सब अधर्म में ले आए। धर्म की धारणा किसी ने नहीं सिखाई। वो शिव बाबा आकर ही सिखाते हैं ना। तो आत्म की स्थिति शिव बाबा ही आकर सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ही सदैव आत्म की स्थिति में रहने वाला है। बाकी तो चाहे कितने भी बड़े से बड़े महान से महान धर्म पिताएं हुए हों, महात्मा हुए हों, वो सब नीची स्टेज में आ जाते हैं। वो स्वधर्म का ज्ञान को ही गीता ज्ञान कहा जाता है ना बाबा। गीता ज्ञान जो है वो बाप आकर के देते हैं। बाप आकर के बताते हैं कि माता का स्वरूप क्या है, कौन है वो माता जो आत्म की स्थिति में सदैव स्थित रहती है, देवान में आती नहीं है। वो माता कौन है? सच्ची गीता है। आत्म की स्थिति में है इसलिए प्योर है, देवान की स्थिति में है तो इम्प्योर है। लेकिन बाबा इसमें जब बुद्धि केंद्रित होने की बात आती है, क्योंकि बुद्धि केंद्रित होने पर ही स्वधर्म की शिक्षा ली जा सकती है। पहले तो पहचान होनी चाहिए। वो तो एक प्रति स्वरूप ही भगवान का। केंद्रित भी होने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। बुद्धियोग जल्दी नहीं प्रैक्टिस में आ सकता, फिर सिखाने वाला भी चाहिए। वो तो एक व्यक्ति स्वरूप है तभी तो सिखा सकता है ना बाबा, क्योंकि बुद्धि में एक व्यापी होने में भी टाइम लगता है। क्या सदा एक व्यापी है या कब है कब नहीं है? तो बच्चे निश्चय निश्चय में आते। बैल पर सदा सवारी होती है क्या? बच्चों के निश्चय निश्चय के आने के साथ साथ सदैव सवारी है क्या? शिव बाबा तो है, सदैव है या कभी है कभी नहीं है? तो बच्चे के निश्चय निश्चय आत्मा और अनिश्चय आत्मा के मूर्ति में क्या बताया? मैं बैल पर सदैव सवारी करता हूँ या और बच्चों को भी उठाता हूँ? जो बच्चे सेवा करते हैं वो बच्चे ये समझे मैं सेवा करता हूँ या बाप दादा सेवा करते हैं, तो बच्चों में सेवा नहीं करने जाता हूँ। बच्चों को ये भी तो कहा है कि तुमको सदैव यही समझना है। समझना बात एक अलग, लेकिन असलियत बात समझना इसलिए कि तुम ऐसी भावना रखो, और जैसी भावना रखेंगे वैसी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति स्वरूप की जो बात आती है बाबा, समझ के आएगी ना?
जब हम सदैव यही समझेंगे शिव बाबा है तो एक व्यक्ति स्वरूप की बात आएगी। अब समझने की बात हुई ना, ऐसा समझो, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है कि सदैव सवारी की जाती है। हाँ, श्रीमत लेने के लिए ये सदैव बुद्धि में रखना चाहिए कि हमें एक से ही श्रीमत लेनी है, नहीं तो अनेकों से श्रीमत लेने लग पड़ेंगे। और परिपूर्ण स्टेज में कहेंगे सदैव सवारी है, संपन्न स्टेज हो जाएगी, जब संपन्न स्टेज हो जाए तब कहेंगे, जब शिव और शंकर एक हो जाएं, वो एक हैं अभी या अलग अलग हैं? शिव और शंकर एक हैं या अलग अलग हैं? अच्छा, बीके वालों को छोड़ो, हमारे लिए एक हैं या अलग अलग हैं? एक हैं। शिव और शंकर एक हैं? अगर एक हैं फिर तो प्रत्यक्षता हो जानी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अरे प्रत्यक्षता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। जो देखे, जो सुने, इन आँखों से जो देखे वो कहे बाप आ गया, इन कानों से जो सुने, एक शब्द भी सुनेगा तो क्या कहेगा? बाप आ गया। ऐसा हुआ? ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो आँखें जो देख रही हैं वो द्वैत देख रही हैं, वही प्रैक्टिकल बात है। एक नहीं है, दो हैं। एक नंबर वन है और एक नंबर दो का है। नंबर दो कहाँ का है? हैं? डुप्लीकेट या ओरिजिनल? डुप्लीकेट। बच्चों के लिए तो एक है। हैं? झूठ बोलते हैं बच्चे। दिल पर हाथ रख के देखो, एक है। हाँ, शिव निराकार अमूर्त ज्योतिबिंदु है, हाँ? जो साकारी, जो एकमात्र मुक्तिमान, हाँ? साकारी संकल्प में प्रवेश करके एक व्यापी बनता है। बनता है तो बना है, बच्चों के लिए तो बना, बच्चों के लिए बना है। बच्चों के लिए बन जाए तो सारी दुनिया के लिए बन जाएगा, क्योंकि बच्चे तो बीज हैं, बच्चे पूर्वज हैं, बच्चे बड़े हैं। जो कर्म बड़े करेंगे, बड़ों को देख छोटे भी करेंगे, सारी दुनिया में फिर वही वाइब्रेशन फैल जाएगा। सारी कमी किसकी है? बड़ों की है या छोटों की है? बड़ों की है। अब बड़े किस अहंकार में है? और 33 करोड़ देवताएं तो आएंगे कलयुग के अंत में, इनका नाम जो जोड़ा जाता है जिसके साथ। 33 करोड़ देवताओं का नाम नहीं जोड़ा जाता है, एक जो देव है उसके साथ जोड़ा जाता है। लेकिन अभी अभी जुड़ने की स्टेज में है कि झूठा अहंकार शिवो हम? अरे दुनिया में भी कहते हैं शिवो हम, झूठा कहते हैं या सच्चा कहते हैं? है? झूठा कहते और शिवो हम है तो नहीं ना, और यहाँ भी वही बात हो जाए, है तो नहीं शिवो हम, शिवो हम जैसी स्टेज तो नहीं है। नेहरू जी थे, उनमें भी इतनी ताकत थी, कोई कितना भी विरोधी जबरदस्त हो, जब उनके सामने पहुंचता था तो उनके विरोध करने वाला रह जाता था या अवरोधी रह जाता था। वो तो कलयुगी आत्मा थी, कलयुग में उतरने वाली आत्मा। अरे ये तो सृष्टि के आदि की आत्मा है, जिसे हम शंकर नाम देते हैं, आदि देव कहा जाता है। वो अभी पतित स्टेज में है या पावन स्टेज में है, क्या कहेंगे? तो फिर काहे के लिए कहते हो? शिव बाप आकर के आप समान बनाते हैं, तो आप समान बना लिया, तो
झूठ बोलते हैं बच्चे। और प्रैक्टिकल शूटिंग क्या होती है? शरीर के द्वारा फिजिकली जो 2004 से पहले थी वो प्रैक्टिकल शूटिंग नहीं थी क्या? 2004 से पहले मनसा के संकल्पों से सारा कार्य हो रहा था, ज्ञान ज्ञान था, प्रैक्टिकल कुछ नहीं था। 2004 के बाद वैश्विक शक्ति उभरती है, वो पवित्रता की पावर से प्रैक्टिकल करती है। और वचन का संदेश क्या रहता है? वचन का संदेश क्या रहता है? दालियां जाती है कभी कभी, बहुत सारी आत्माएं हैं, जो संदेश है वचन का, वचन से संदेश लाती है। मधुबन में जो भी एक्टिविटीज चलती है पर वो संदेश ज्यादातर दिखाई नहीं देते हैं नेट, तो वचन का संदेश क्या रहता है? जैसे कोई स्वप्न देखता है और स्वप्न की बात बाद में बताता है, ऐसे उनका साक्षात्कार है। जो भावना वाली आत्माएं हैं, जो पवित्र रहने वाली आत्माएं हैं, वो प्योरिटी की पावर से उनको साक्षात्कार होता है। भगवान बाप उनको प्योरिटी की पावर से बहलाता है। जो बुद्धि योग वाली आत्माएं उनको बहलाने की दरकार नहीं, वो बहलाने से मानने वाली भी नहीं, क्योंकि बुद्धि योग वाली आत्माएं हैं, बुद्धि चलाने वाली है। एक बात जवाब मिल जाएगा दूसरा प्रश्न कर देंगी, दूसरा प्रश्न का जवाब मिल जाएगा तीसरा प्रश्न कर देंगी। बुद्धिवादियों को साक्षात्कार से नहीं बहलाया जा सकता है। बाबा बोला जाता है कि आज वचन में बाबा के पास बता दिया ना, जैसे स्वप्न देखते हैं वैसे वो अपने साक्षात्कार की बात बताते हैं। आपको इवन सुना है हम इन बातों में विश्वास नहीं करते। हम बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं या भावनावादी हैं? हैं? हम तो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, बुद्धि से हर बात को फैसला करते हैं, क्या राइट है क्या रंग है। बुद्धि की बात आती है ना, जैसे आज की छोटी मुरली चली, मुरली को ध्यान से थोड़ा भी देखे जाए और एंड हो गई कि आज दो चार विजिटर आए हैं इसलिए बाबा ने मुरली रिपीट की, दो चार विजिटर आए हैं इसलिए बाबा ने मुरली रिपीट की। हाँ, पुराने पुराने बैठे हुए हैं उनको रिपीटेशन की दरकार नहीं, ऐसे करके मुरली खत्म हो गई। तो नए नए आए हैं तो जरूर कुछ नए नए आ गए हैं, मगर मुरली को थोड़ा भी ध्यान दिया जाए तो मुरली में इतना साफ क्लियर किया, वो निराकार कौन है, वो आदि पिता कौन है, आदि पिता में लौकिक मतलब लौकिक बाप आदि पिता कौन है, ब्रह्मा कौन है, शंकर कौन है, सारी बातें इतनी क्लियर है कि जो आजकल 8 पॉइंट बाबा ने दिए है ना कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति कैसे है, वो एकदम क्लियर आज की मुरली में है। शिव और शंकर कैसे एक है वो भी क्लियर है, आत्मा तो परमात्मा नहीं है तो फिर वो आत्मा तो परमात्मा कौन है वो भी क्लियर है, फिर गीता का भगवान वो भी क्लियर है। बात जब बुद्धि की आती है ना तो इतनी छोटी मुरली में सब क्लियर है। अब ये मुरलियाँ अनेक बार चली जब छोड़िए बेसिक वालों को, पीपीके में कितनी चली है, ये लास्ट 3.5 साल की मुरलियाँ जो 5-6 साल की चली है, और पॉइंट देखा जाएगा तो लगभग एक दो मुरली के बाद या लगभग सभी मुरली में सब है। कितने पीपीके इधर है, चलो भारत को छोड़ो, बाबा के मुख से जो आए हैं बम्बई वाले बाप का बम फोड़ने वाले, इधर बैठे वाले भी कितने इसको सही ढंग से जानते हैं जाने हैं, नहीं तो होता तो बाप की प्रत्यक्षता भी होती, जो बाबा ने अभी कहा अभी भी पतित है क्या, हो गया, हो सकता है बाबा बच्चों के लिए रुके हैं, बच्चे बिल्कुल अपूर्ण है जैसे उसको छुपाना पड़ रहा है। गूंगे का गुड़ होता है, ऐसे गूंगा समझता तो है कि बहुत मीठा है, हमने समझ लिया, हमने जान लिया,
लेकिन जब तक दूसरा न कहे कि हमने भी पहचान लिया जान लिया, तब तक कैसे माना जाए। इसलिए जिनको अनुभव होता है कि हमें उन प्रश्नों का जवाब मिल गया, उनको जवाब तब मिल गया जब वो प्रैक्टिकल प्रूफ भेजे, वो प्रैक्टिकल प्रूफ बोले कि हमने समझा है और इन्होंने हमको समझाया है। बाकी सिर्फ बहुत मीठा है, हमने जाना, हमने देखा, शिव बोला भगवान, तो कोई मानेगा नहीं। और उनको सब कुछ भेजने के बावजूद भी वो बोलते हैं कि जैसे बाबा बहुत शक्तिवान है, माया भी बड़ी शक्तिवान है, हाँ? तो देखो भी मत, आंखें क्रिमिनल है, आंखें घुसती जाएगी, बुद्धि जाएगी, बुद्धि जाएगी, तो आप लोग माया के इसमें आ जाओगे। तो वो लोग जानकर भी अनजान बन जाते हैं। हाँ, उनको उनको हमें बताना चाहिए ना, माया को देखो ना भगवान को देखो, दोनों को देखने की दरकार नहीं है। दादियाँ बोलती है, अब माया किस ओर है और भगवान किस ओर है, जानना तो दोनों को चाहिए, मायावियों की ओर माया होगी और भगवान के बच्चों की ओर भगवान होगा। और मेला हो गया, कभी 2 करोड़ आत्माओं को संदेश मिला, तो पता है कि वो तकलीफ की प्रज्ञा हो गई है। 2 करोड़ आत्माओं को संदेश मिला वो आज हो गई प्रजा, मतलब वो बताया कि 2 करोड़ आत्माएं सतयुग या त्रेता में आएगी, तो संदेश मिला इसका काफी है क्या? कब बताया ना मेला, कब की बात है? 73 में मेला हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 73 में मेला हुआ, उसने टोटल मिला करके, मेले को मिला करके 1 करोड़ आत्माओं को संदेश देने की बात बताई ज्ञानमत पत्रिका में। उसके बाद 3 साल तक बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े मेले हुए और एक एक मेले में लाखों की तादाद में लोग आए, तो टोटल 76-77 संपूर्णता वर्ष तक 2 करोड़ मनुष्य आत्माओं को संदेश मिला। और मुरली में यही बात आई है कि जो संदेश लेकर के चले जाते हैं, ज्ञान उठाते नहीं है, पुरुषार्थ करते नहीं है, पवित्रता को पालन करते नहीं है, वो संदेश लेने वाली आत्माएं प्रजा वर्ग में आ जाती है। श्वेता तक नहीं, जब उन्होंने संदेश ले लिया तो वो प्रजा बन गई। और संदेश लेने का टाइम था सचिव की शूटिंग का, सचिव की शूटिंग हुई है 76-77 तक, 76-77 तक जितनी आत्माओं को संदेश मिला कि भगवान आया हुआ है, दुनिया का विनाश होने वाला है और ब्राह्मणों के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के तारीसा चल रहा है, नई सृष्टि आने वाली है, पुरानी दुनिया जाने वाली है, भगवान आया हुआ है, ये 3 बातों का संदेश जिनकी बुद्धि में बैठ गया, भले आगे पुरुषार्थ करें या न करें, वो आगे चल करके सच की नई दुनिया में आ ही जाएंगे। वो योग बल जैसे जानवर हैं, जैसे पशु पक्षी हैं, वो कोई पुरुषार्थ करते हैं क्या? नहीं, ऐसे ही प्रजावर्ग की आत्माएं तो अपने राजा को फॉलो करती है, फॉलो करने मात्र से ही उनको प्राप्ति हो जाती है, पीछे पीछे चलती है, उन्होंने ऑर्डर दिया और उन्होंने किया। और बाबा है बीचे का मेगा प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ ब्रह्मा बाबा कुमार का दादी का फोटो चित्र रखते हैं, ओम राधे मम्मा का नहीं रखते, तो उनको सवाल पूछ सकते हैं क्या, क्यों नहीं रखते? रखो पूछो, प्रवृत्ति मार्ग के होंगे तो दोनों को मानेंगे, निवृत्ति मार्ग वाले होंगे तो एक को मानेंगे, एक से कहेंगे ये कहा हमारी संतन आके बैठ गई। और
बदले में आता है, ब्रह्मा का सच्चा चित्र कोई के पास नहीं है। ब्रह्मा का सच्चा चित्र कोई के पास नहीं, सच्चा चित्र कोई के पास नहीं है। किसके बारे में? प्रजापिता राम वाले आश्रम के बारे में। उस समय प्रजापिता का पार्ट खुला था। किसके बारे में बोला? हम आपसे पूछ रहे हैं, जिस समय ये मुरली सुनाई गई ब्रह्मा के मुख से, उस समय प्रजापिता के बारे में कोई जानता था क्या? नहीं जानता था। हाँ, जो टाइटलधारी प्रजापिता ब्रह्मा था, दादा लेखराज, उसके बारे में जानते थे, इसलिए ये वाक्य बोल दिया, ताकि ये बात साबित हो जाए कि प्रजापिता ब्रह्मा अलग है और ब्रह्मा अलग है। डीके सेंटर से ब्रह्मा का चित्र, ब्रह्मा बाबा का चित्र ओरिजिनल दिखाते नहीं, वो पूरा अलग ही दिखाते, ओरिजिनल चित्र अलग है और जो कास्केट में दिखाते वो अलग है। ऐसा कुछ नहीं है, जो दादा लेखराज का चित्र है वही दिखाते हैं, लेकिन ओरिजिनल ब्रह्मा है प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा लेटेस्ट अभी मुरली में 31-12 में बताया कि अभी जुरिस्ट विंग के भगवान को, भगवान गीता का भगवान सिद्ध करो, तो वो बिंदु को ही सिद्ध कर रहे हैं। वो बीके वाले तो बिंदु को ही सिद्ध कर रहे हैं, इतना किसे बताने की बात? बिंदु को तो, बिंदु तो हमेशा ही सिद्ध है, बिंदु को सिद्ध असिद्ध करने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ जी बाबा ने भी कथा बताया ना कि शिव शंकर बच्चों को दो दिखाई पड़ते हैं, शिव शंकर जो है बच्चों को दो दिखाई पड़ते हैं, जिस कारण जो है बाप की प्रत्यक्षता नहीं हो पा रही। तो अभी माया का फाइनल पेपर आने वाला है, हाँ तो सब पता चल जाएगा कि शिव शंकर दोनों एक हो गए हैं कि नहीं हो गए अभी। लेकिन बाबा ने जो बताया है, अगर शंकर वाली आत्मा ये अहंकार धारण करने लगे कि शिव हो हम, मैं शिव समान हो गया हूँ, मेरी आत्मा और शिव की आत्मा दोनों का सामंजस्य हो चुका है, तो ये अहंकार होगा या निरहंकारी बना होगा। लेकिन वो तो शिव समान बनने का जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ का मतलब ही है कि समान नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए तो वो संपन्नता के स्वरूप में दिखाई पड़ता होगा। बच्चे एक नहीं है, नंबर वार अनेक बच्चे हैं, तो उनका पहचान भी एक है होगी या नंबर वार अनेक प्रकार की होगी। ये तो अंधे हैं, जैसे अंधों के लिए हाथी कहा जाए कैसा है, तो कोई टांग देखे कहेगा इतना मोटा है, कोई पूछ देखेगा कहेगा इसे खुरगुरी खुरगुरी है, कोई पेट देखा अरे बाप रे इतना बड़ा है, कोई कान देखेगा अरे सूप जैसे है, ऐसे ही है। लेकिन बाबा ने ये भी तो कहा है कि बाप को पतित समझना सबसे बड़ा महापापी के लिस्ट में जाने की बात है। इस पतित दुनिया में जितने मनुष्य हैं सब पतित हैं, या कोई पावन भी है? पतितपन तो पतितपन की बात है, श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय। क्या बताया है मुरली में? पतित समझना, हाँ पति तो हम तो आत्मा से बात करते हैं। अरे कौन से बाप को पतित और कौन से बाप को पावन समझना? बाबा शिव की जो पावनता भी सिद्ध होगी वो जब साकार में आएंगे तभी तो। निराकार पतित में आता है या पावन में आता है? पतित में आता है ना, पतितन आत्मा से कनेक्टेड नहीं है, आत्मा पतित होती है या शरीर पतित होता है? पतित आत्मा में ही कहा जाता है, पतित तन में आया, लेकिन वास्तव में पतित तन कहने मात्र से ही साबित हो जाता है कि आत्मा भी पतित है। हैं? हाँ जो तुम बच्चे भी समझ न सको, ये विरोध कर रहा है। वो पतित हो ही नहीं सकता, वंडरफुल पार्ट है, वंडरफुल पार्ट है तो पतित होने की बात ही नहीं है ना। लेकिन तुम बच्चे समझ न सको, तो
तो फिर जो बच्चों को दो दिखाई पड़ रहे हैं बाबा, वो भी ना समझ के कारण है ना, वास्तव में बच्चों की आंखों में गड़बड़ है। बाबा ये भेद भी तो बाबा ने ही बताया ना है, ये भेद भी तो बाबा ने बताया ना कि हाँ बाबा ने भेद बताया तो, लेकिन वो भेद हमारी बुद्धि में ठहरे तब ना। बाबा तो बहुत कुछ बताते रहते हैं, तो वो धारणा कहाँ होती है। और वो बोला है सत्य सत्य के बारे में, यादव पांडव कौन सी आत्मा है, कौन सी आत्मा है माना, एक एक के नाम अलग अलग बताएं क्या करें हैं? माने उनका उनकी उनकी परिभाषा बता दें, जो भगवान को मानते हैं, भगवान को जानते हैं और भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तीन बातें क्या क्या मानते भी हैं, पहली बात जानते भी हैं, जानेंगे तो मानेंगे, जानेंगे ही नहीं तो मानेंगे कैसे। तो पहली बात है जानते हैं, ज्ञान है, जानते हैं और मानते भी हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जान तो लेते हैं लेकिन फिर मानते नहीं। तो पांडवों की ये विशेषता है कि वो जानते भी हैं, ज्ञान भी है उनको और मानते भी हैं और फिर उसके बताए हुए रास्ते पर चलते भी हैं। कौरव वो हैं जो जान तो लेते हैं, अंदर से समझ लिया कि ये भगवान है, जैसे रावण के लिए कहते हैं, रावण प्रकांड विद्वान था, बहुत होशियार था, उसने भगवान को जाना या नहीं जाना, जान लिया, जान लिया, बूझ लिया, समझ लिया, फिर भी माना नहीं। तो उन्हें कौरव कहो, रावण संप्रदाय कहो, कुछ भी कहो। और यादव वो हैं जानते भी नहीं, मानने का तो फिर सवाल ही नहीं और चलने का तो बिल्कुल बिल्कुल सवाल पैदा नहीं होता। जानते भी नहीं, मानते भी नहीं और चलते भी नहीं, वो यादव संप्रदाय। अब यहाँ अपने अपने अंदर देख ले कि हम कौन सी लिस्ट में हैं। बाबा जानने की जो इनिशियल स्टेज है ना, प्राइमरी स्टेज है, जानने की जो प्राइमरी स्टेज इनिशियल स्टेज है वो 8 पॉइंट से ही तो क्लियर हो जाएगी। तो जानने के बाद साथ साथ, क्योंकि बाबा की इधर जो भी बच्चे हैं रुद्रमाला के, वो आखिर एक दिन सभी संपन्न बनने वाले हैं, भल बीच में महाकाली का पाठ चले, फिर शिव शंकर को अलग करे, अहंकारी बने, जो भी हुए, मगर शुरुआत तो बाबा ने देखा। आज ये बाकी पहचान का पॉइंट है, तो ये सारी पहचान जिसने दी है वो एक है, ये सब जानते हैं करके तो इधर बैठे हैं सब, ठीक है। तो ये जो 8 पॉइंट से समझ है बाबा ना, ये पक्की पक्की होते जावे और ये भी हम में एक व्याप्त हो जावे तो ही बैठेगा, हम बनेंगे और फिर चलेंगे। बाबा 8 पॉइंट को या जितने भी पॉइंट को, वो सभी पॉइंट एक ही ओर ही जाती है कि गीता का भगवान कौन है करके, इसी ओर तो जाता है। कई सालों से बाप दादा बार बार जुड़ीश पिन को सामने रखकर, निमित्त रखकर इशारा दे रहे हैं कि आप लोगों को इस चीज पर ज्यादा केंद्रित करना है, गीता के भगवान को प्रत्यक्ष करने के आधार पर। इतने वर्षों तो हम बच्चों ने तो समझा नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में कहीं ना कहीं वो पाठ चलता होगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में बाबा ने जब पिछले टाइम 8 पॉइंट दिए गए, उस 8 पॉइंट का परिणाम भी पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी नहीं हो रहा है। जो छुटक उठक जो हो रहा है, कहीं ना कहीं वो बम्बई में उसके लिए जागरूकता आ रही है, नंबर वार होते जा रहे हैं। तो सारा ज्यूरिस्ट बिंग बम्बई में ही बैठा है क्या? बाबा तो जो ज्यूरिस्ट बिंग कहा गया है वो तो पूरे बाबा के जितने भी बच्चे हैं, जो निर्णायक लेने वाले हैं,
वो सभी बच्चों के लिए तो लागू होता है, लेकिन जब तक जागरूकता नहीं है तब तक तो वो भी जुरिस्ट लिस्ट में भी नहीं होगा, हो जाएंगे वो जागरूकता जो आती है बाबा हो जाएंगे, इसीलिए तो बोला है कि ज्यूरिस्ट बैंक को और ज्यादा उठाओ। और लेकिन वो लोग अभी भी प्रिपेयर नहीं है, बोल रहे हैं कि हम लोग को आठ प्रश्न हम लोग अगर प्रिंट करके रखाएंगे या डिस्प्ले में रखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे और हम लोग वो टाइम पे आंसरेबल नहीं रहेंगे, तो ऐसा करके वो लोग एक्सक्यूज देते हैं कि हम लोग को आंसर मालूम नहीं है और बाबा से हम लोगों ने वेरीफाई बम्बई से जो आंसर आया था बाबा से वेरीफाई करवाया तो बाबा ने बोला कि ये उन लोगों की मनमत है, ऐसा करके वहाँ से बाबा ने बोला मनमत है। ये कहना है बाबा कई स्थानों पर जिनसे बात हो रही है उन लोगों का ये कहना है कि ये बम्बई के द्वारा आया हुआ प्रश्न है, ये बाबा का प्रश्न नहीं है, ये मनमत है बम्बई वालों का, तो ये जो विनाश का काम है ये कांड सब बम्बई वालों का है। माना ये वो जो बातें हैं वो बाबा की मुरली की बातें नहीं है, मुरली से प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, हाँ जो मानने के लिए तैयार नहीं है तो वो कौन से संप्रदाय है ये बुद्धि में नहीं बैठता। ये एडवांस पार्टी में भी तो क्लियर होना चाहिए कौन किस ग्रुप के हैं? इसका मतलब सभी जुरिस्ट नहीं है ना बाबा, वही तो आता है सीन। त्रिमूर्ति के लिए मान लिया है, त्रिमूर्ति का चित्र वो है बराबर बोल रहे हैं, लेकिन ये जो लिखावट है वो आपकी आपकी मुरली के नहीं है। बाबा बॉम्बे में जो सीकर सेवा हुआ है ऐसी सेवा तो और कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। समझ लिया था कि कब तक आएगा, आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी तो सोए भी लगता है। ओहो जिसका काम है जिसका नाम है बम बम तो वो तो अपना काम करे, तो वो तो कर रहा है और करते जाएगा भी। ग्रुप में उस लिस्ट में जितने आने होंगे सो आ जाएंगे बाबा, लेकिन इस कार्य को जो कहा जाता है बम बम ये कार्य विनाश का है, तो इसको अकल्याणकारी समझ के हम बोलते कि हम... आज की मुरली में क्या बोला? यही बात है, आज की मुरली में कल्याणकारी बोला या अकल्याणकारी बोला? कल्याणकारी है। फिर जो काम स्वयं भगवान करता है वो कल्याणकारी होगा या अकल्याणकारी होगा? दुनिया के धर्म गुरु धर्म पिता हैं तो वो काम नहीं कर सके, पुराने धर्मों को पुरानी मान्यताओं को पुरानी भाषाओं को पुराने रीति रिवाजों को तोड़ नहीं सके, और भगवान आकर के पुरानेपन को जर्जरेपन को निकाल के फेंक देता है। जब तक पुरानापन निकाल के फेंका नहीं जाएगा तब तक नए की कोई मान्यता नहीं होगी। हम अपने चाल और चलन से प्रत्यक्ष करेंगे ये कहकर बाबा ये बहाना बनाकर इस कार्य को जो है विघ्न लाते हैं। गेंगे 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 का क्या मतलब है? ये गुरु सिंह क्या कहीं बॉम्बे में ही है या कहीं? समझ ही नहीं पाता अभी तक, वो तो आठ पॉइंट क्या है क्या क्लैरिफाई करो, किसको बताओ कैसे बताओ, सब जरा कैसे बात करो। तीन देवताओं में हर हर बम बम बड़ा बच्चा है या छोटा बच्चा है? हैं? बड़ा बच्चा का जो बच्चे होंगे वो भी जिठौत होंगे, बड़े होंगे या छोटे होंगे? हैं? बड़े होंगे। तो जो बड़े हैं वो पहले पैदा होते हैं या बाद में पैदा होते हैं? पहले जो पैदा होते हैं वो बड़े हैं जिठौत हैं, जब बड़े हैं तो छोटों को पैदा हो लेने दो, जब पैदा ही नहीं हुए हैं तो दिखाई कहाँ से पड़ेंगे? आप वो पैदा होने की स्टेज पे आ रहे हैं धीरे धर मनुआ। हाँ बाबा ने बताया कि गेटवे टू हेल्थ महामारी महाबल ग्रह युग है, गेटवे टू हेल्थ महामारी महाबल ग्रह युग। हाँ जी, ये आठ फुट कर रहे हैं। अरे ये तो छोटी छोटी बम्बियाँ गिन रही है, आगे चल के बड़े बड़े बम निकलेंगे। जो
कतरा रहे 8 वर्ष से एडवांस की बच्ची और सेमिनार समझे इस बात की नंबर बात है। हाँ तो एडवांस में भी से यादव कौरव पांडव है वो भी तो क्लियर होने चाहिए। बाबा ने बोला कि मैं बच्चों के लिए नहीं रुका हूँ सिर्फ कृष्ण बच्ची के लिए रुका हूँ। माना कृष्ण बच्चे को क्या होना है? हाँ तो कृष्ण बच्चा तो सन 36 के बाद सचिव में पैदा होगा तब तक रुका रहेगा बाप। 18 की बात है 18 के बाद कहाँ से आ जाएगा कृष्ण बच्चा है? वो अभी नहीं है अभी है कि नहीं है? चंद्रवंश में है या सूर्यवंश में है? जब है तो प्रत्यक्ष क्या हो जाएगा? उसके लिए रुका हूँ तुम बच्चों के लिए। हाँ तो बताया ना वो तो सतयुग में आएगा वो अभी कहाँ से आ जाएगा तब तक रुका रहेगा? लेकिन अभी संगमयुग में तो पढ़ा है ना। अरे वही संगमयुग में प्रश्न पढ़ने से हो जाता है क्या? संगमयुगी कृष्ण वो क्या चीज है जिसे कहा जाता है संगमयुगी कृष्ण? नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। वो कौन है? एक है या चार चार है? फिर अभी प्रत्यक्ष नहीं है और आगे चलकर पुरुषार्थ संपन्न होने पर प्रत्यक्ष हो जाएगा वो ही संगम जी कृष्ण है। मुंबई वाले की रेखा ये थी ना कि हम सिर्फ बड़े भाई नहीं बने हमारे साथ सब बड़े बने और बाबा ने किया कि जन्म नहीं लिया है तो फिर हम अभी चाहते कि जन्म भी ले लें इसीलिए हम 5-6 महीने से इस मुद्दे को उठाना चाहते थे मगर घुमा फिरा के क्या होते अपने लाल करने जैसी बात रहती है इसलिए बात करना चाहते हुए भी कर नहीं पाते क्योंकि फिर आखिर मुंबई वाले अपना ही मगर मुंबई में तो सारा भारत है ना बाबा तो ये प्रांतवादी की बात ही नहीं है। हम चाहते सब बम फोड़ने लगे बम्बई वाले क्योंकि बाबा ने अभी क्लियर किया झूरी सभी जगह है मतलब बम्बई सभी जगह है बम फोड़ने वाले सभी जगह है शंकर के बच्चे सभी जगह है तो हम चाहते कि वो पैदा नहीं हुए तो पैदा हुए कल तक हम चाहते वो बड़े हुए मगर आज पैदा पर पता चला बड़े छोड़ मगर बाबा कहे पैदा ही नहीं हुए तो फिर भी हमारा पैदा होने का मतलब प्रत्यक्ष होने। हाँ बाबा स्टेज पर आना। नहीं बाबा बात ये है आज हम चाहते हैं थोड़ा वार्तालाप के जरिए क्योंकि जब तक बाबा से वार्तालाप नहीं होते तब तक ये संदेश नहीं पहुँचते चाहे हम कितने भी टाव क्या करें क्योंकि वो टाव क्या समझते लोग। बाबा हम ये चाहते हैं बम्बई में अभी 4 दिन पहले ऐसी सेवा होगी कि ब्रह्मा कुमारिया का 7 दिन का प्रोग्राम था ये प्रोग्राम पिछले 2-3 महीने से अनाउंस हो रहा है यहाँ तक बताया जाएगा कि ऐसा बंदोबस्त करेगा कोई प्रजापिता ब्रह्म कुमारी या शंकर पार्टी वाला एडवांस पार्टी वाला जो भी आया उसका बराबर बेहाल किया जाएगा। इतना होने के बावजूद भी मुंबई में इतनी निडरता है कि बाबा आखिर एडवांस के बच्चों ने पुलिस ला के उनको पकड़वा दिए और हटा दिए। कहने की बात बाबा ये है कि पहले दिन 5-6 लोग गए दूसरे दिन 7-8 लोग गए इधर अनाउंसमेंट हो गए 65 लोग गए 15-20 माताएं प्रदर्शनी जैसा समझाते हैं ऐसे 8 पॉइंट की समझाने देने लगी सारी दादी दीदिया सारे स्टूडेंट एक ही रास्ते से जाते थे उधर समझाने लगाए तो क्या है फिर हम आगे आगे जा रहे हैं बाबा यहाँ तक कि अभी हम माउंट आबू जाने का सोच रहे हैं तो पीछे देखेंगे तो कोई नहीं मतलब भारतवासी कोई नहीं तो हम चाहते हैं कि पीछे देखें तो सब है करके इसलिए थोड़ा ये जागरूकता आ जावे और इस पॉइंट पे किधर न किधर लगे क्योंकि बाबा ने ये पॉइंट 2011 के शुरू में दिया जब ये झुरिस्ट्री की बात है 2010 के 31 दिसंबर में पिछले 12-13 साल से आ रही है बाबा मुंबई में मुद्दा 7-8 साल से चल रहे हैं फिर ये लास्ट साल से इतना तक पकड़ा कि अभी मुंबई में तो बहुत सारी माता है कि बाबा उनमें एक एक वर्ड का भी हिज्जा का अर्थ भी लगाए बाबा तो अर्थ एकदम सिंपल देते वो तो सबके बुद्धि में है तो इतनी गहराई तक इधर जा रहे हैं और सिंपल अर्थ भी किसी को पता नहीं बाहर ऐसा नहीं हुए इसलिए हम चाहते कि सभी साथ साथ चले तो और मजा आएगा सभी को साथ साथ बम्बई वालों को चलाओगे
तो बम्बई ज्ञान जल में डूब जाएगी। पहले पहले ज्ञान जल में डूबेगी कि स्थूल जल में डूबेगी? हाँ जी, तो जल्दी ना करो ना, जिंदा रहना है कि नहीं रहना है? अब बताई तो बिल्कुल तल्ले बधारी है। बाबा क्या भरत भाई वसई कहाँ धरी है? हैं? एकदम तल्ले पे। अब कल्याण बाबा अब ये है ना कि सारी सेवाएं बाबा के श्रीमत के अनुसार हो रही है। चलो बाबा अपने को छिपाते हैं क्योंकि बाबा को हर ढंग से सबको प्रत्यक्ष करना है। 1800 रुपए का जो भी एसडी का फ्री कॉल मिले थे ना बाबा, इधर एक ही व्यक्ति के नाम पे 6 मोबाइल फोन खरीदे गए और 6 माताएं उसका जवाब देते रहे। तो उसमें जो 1800 रुपए का फ्री कॉल का रिचार्ज मिला एसडी, तो बाबा के श्रीमत अनुसार जो एनएच से हमें लिस्ट मिली तो उधर उधर सब फोन पे हम लोग ये चीज रखा। जिन जिन को फोन किया वो इतने प्रभावित हो गए बाबा कि जैसे फोन पे आधे तैयार हो गए और सिर्फ जो 1-2 महीना गए उसमें लगभग तैयार हो गए, मगर उनको डीम करने वाले सेंटर इंचार्ज से लेकर जो इंचार्ज से लेकर है उससे लेकर लास्ट तक स्टूडेंट तक कारणे अकारणे अज्ञानवश, मतलब दोष उनसे नहीं जाते, अज्ञानवश उनको ऐसे डीम करके गई कि वो बोले क्योंकि बम्बई में तो वही आए बाबा ये जिनको कहीं जानते भी नहीं और इतने परिपूर्ण होके गए, हाथ पैर बहुत बार बहुत ठंडे किए गए, ऐसे इंदौर से हुए, ऐसे उड़ीसा से हुए, ऐसे एमपी से हुए, ऐसे हैदराबाद से हुए, ऐसे हाँ तो दिल्ली से हुए। और बाबा कोई ठंडा करने वाला कोई गर्म करने वाला, आप गर्म करते रहो। अभी बाबा ये वार्ता पहुँचते पहुँचते कम से कम 6 महीना जाते हैं। आज बम्बई में जो कैसेट बाबा की चलती है तुरंत चाहते हैं, फिर भी बम्बई में वार्तालाप 6 महीना पीछे और ये साकार मुरली 3 महीना पीछे, ये पिछले साल 1.5 साल 2 साल से चल रहा है। कोई बात नहीं, एक आदमी विजय विहार चले जाओ दौड़ते हुए ले आओ जाके। ये लीला मैं चाहता है कुरियर से भले जाएंगे हमारे। हाँ तुम्हारे पास कुरियर मौजूद है? हाँ तो अभी ये वार्तालाप पहुँचते पहुँचते और 6 महीने जाएंगे। रुद्रमाला का डबल मड़का है, 6 महीने के बाद जन्म लेंगे क्या बाबा? बाबा फोन नंबर देने के लिए डरता है, कोई फोन नंबर देने वाला ही नहीं होता, कोई नहीं चाहेगा। बॉम्बे वालों को बोलेगा तो सौ आदमी हाथ लगा रहे हैं मेरा फोन नंबर लो, फोन नंबर देना ही नहीं चाहता। इंदौर वाला फोन नंबर नहीं देना चाहता, बैंगलोर वाला भी बैंगलोर देना नहीं चाहता, हैदराबाद नहीं देना चाहता, हैदराबाद तो डर के ही बैठा है, बोलता नहीं बाबा ऐसा करेगा तो बाबा आ जाएगी। दूसरों को नहीं देखना है, बाबा हम ज्ञान में चलते हैं, मित्र संबंध है हमारा शरीर उनका शरीर टूट गया, उसको भी ज्ञान में लाना है तो दूसरे दूसरे मित्र संबंधी बना लो, ये बहुत है। बाबा एक आत्मा ऐसी है जो 2 महीने में एक बार यहाँ आती है, 2 महीने में एक बार यहाँ आती है और क्लास रेगुलर चलती है 15 घंटे गीता पाठशाला में। हाँ तो बाबा के चरण में आना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं आना चाहिए? गीता दिया नीचे गीता पाठशाला में क्लास कर रहे हैं और 2 महीने में यहाँ भी आ जाते हैं बड़े संगठन में, तो परिवार को तो नहीं छोड़ दिया? हाँ तो आ सकते हैं ना, जैसा बैठा है नीचे बिठा है उनको नीचे बैठा है बाबा है, नीचे क्यों नीचे बैठा है? जब 2 महीने में एक बार आ रहे हैं और उनका रेगुलर क्लास है गीता पाठशाला में, तो नीचे बैठाने का कोई गलत फहमी होगी? टीचर्स के बीच में और बाबा के बीच में कोई गलत फहमी रह गई है जिसकी वजह से नीचे बैठाया गया होगा? नीचे नहीं बैठाना चाहिए है? बाबा बोला ऐसे बोला है क्या बोला कि बाबा ने बोला है? अरे बाबा तो भरी सभा में बोल रहे हैं ना।
बाबा से पूछा था। बाबा की बात तो यहाँ टैप रिकॉर्ड में टैप हो रही है, काट दो। बाबा से पूछा था कि एक भाई है वो। उसका क्या प्रूफ है? बाबा से पूछा वो जो मैंने क्लास करता है गीता पाठशाला, लेकिन गीता पाठशाला में रेगुलर चल रहा है तो क्लास तो कर रहा है ना। भरत भाई ने बोला कि दो महीने से क्लास करता है। दो महीने से क्लास करता है, उससे पहले? दो महीने से बताया है। उससे पहले है वो, उसने भर्ती कब की हुई है? बहुत साल पहले। जब तो फिर बीच में गैप हो गया ना। दो महीने कंटिन्यू रेगुलर है वो तो, समझते। उससे पहले वो रेगुलर रहा ना? नहीं नहीं रेगुलर है। अरे भर्ती कब की? 95 से लेकर के अब तक रेगुलर है? रजिस्टर दिखाओ। हो ही नहीं सकता। अरे अच्छा अच्छों का नहीं हो पाता है। वो नाम बताओ कौन है? बाबा का बच्चा है। नाम बताओ। हितेश कुमार कौन सी गीता पाठशाला से? हंसा माता की गीता पाठशाला से हितेश भाई हैं। उसका लोग आप हंसा माता का रजिस्टर दो। ओ इससे मतलब नहीं, जिन ये कोई मतलब नहीं होता है। जो जो कानों से बहरे होते हैं या कोई अंग नहीं उनका काम करता है, उनके दूसरे अंग बड़ी तेजी से काम करते हैं, वो हमसे भी ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। इसे चेक करो। भाई का बेटा है बाबा, छोटा बेटा, बेटा भरत भाई। सातवां महीना है जो कोई, ये सब बताने की जरूरत नहीं। 14, 7, 10 देखो इसमें शुरुआत में देखो वो आ रहे हैं कि नहीं लगातार। चलो थोड़ी देर बाद मालूम पड़ जाएगा। हाँ बाबा, ये स्पीकर सेवा जो चालू है आपने छोटा छोटा स्पीकर थोड़ा चाहिए। स्पीकर सेवा जो 8 पॉइंट की सेवा होता है ना। हाँ। जो खास करके ट्रेन के लिए बोला गया था कि ट्रेन में लगाने के लिए। हाँ। कई कई जगह है जहाँ ट्रेन में लगाने का पानी चल रही है, जैसे मैंने खबर आया उधर वो सचिव से जो है ममता बनर्जी ट्रेन में लगाने का कोई एडवर्टाइजमेंट लगाने के लिए ना कर, ट्रेन से भी ना किया और कोई एडवर्टाइजमेंट लगता भी नहीं, तो वो लोग और कई जगह जैसे बस सब जगह लगा सकते हैं। जहाँ परमिशन लेने की बात है वहाँ परमिशन ले। यहाँ तो बाबा बहुत बड़ा बड़ा स्पीकर लगाया गया था, मतलब ट्रेन में इतने बड़े बड़े से स्पीकर लगाया गया था, जो बड़ा बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा, इतना बड़ा बड़ा स्पीकर लगाया गया था। हाँ जी ठीक है, अच्छी बात है। ट्रेन में डाला देखा 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 हो गया। ट्रेन वाला जो स्टिकर है बाबा, सत्ता वालों ने इस पे आर्टिकल लिखा, बहुत ही नेगेटिव था आर्टिकल वो, लेकिन क्या वो नेगेटिव आर्टिकल भी मतलब पब्लिसिटी के हिसाब से पॉजिटिव हो सकता है? मैंने इसी को लेके उन्होंने जो आर्टिकल लिखा लोक सत्ता वालों ने, जैसे हाफ पेज आर्टिकल है पूरा, वो ब्रह्मा कुमारों ने लिखवाया होगा मुझे नहीं लगता। हाँ जी कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिसमें पॉजिटिव अप्रोच दिखा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं। धार्मिक कार्य दुनिया जानती है बिना पैसे के होता है, दुनिया जानती है कि नहीं? जो बिजनेस के काम है उनमें पैसा लेते हैं लोग, तो इसमें स्टीकर अगर लगाए गए हैं ट्रेन में और पैसा किसी को घूस नहीं दी गई है तो कोई खराब काम हो गया क्या? अरे ट्रेन में चाहे तुम ये पोस्टर घूस दे करके लगवाओ, पैसे दे करके लगवाओ, बात तो एक ही है, जन कल्याण किस बात से होता है? बिजनेस के कामों में होता है, जन कल्याण नहीं होता, उसमें स्वार्थ भरा हुआ है, इसमें स्वार्थ कौन सा भरा हुआ है बाबा? हाँ। मगर जो बड़े बड़े लगाए ना। हाँ। उसमें घुस के एक पही भी नहीं दी, एक चाय भी नहीं पिलाया, बल्कि पुलिस वाले हमको पकड़े रात में रखे और चाय और नाश्ता और सब लाते थे। बाबा पुलिस वाले कहते थे आप अच्छा काम कर रहे हैं, मगर हमें ऊपर से प्रेशर आ रहे हैं कि ये ब्रह्म कुमारी, तो उनकी नजरों के सामने न करो। बोले बाबा हमारे पीछे करो बोले। हाँ बहुत सपोर्ट करिए। हाजी हाजी। अरे सब में लूपोल भरी हुई है,
कोर्ट कचहरी में कोई हमें नहीं लगता कोई कोर्ट कचहरी में जाएगा, और जाएगा तो देखा जाएगा। एक जगह है ना बाबा, एक जगह है ना स्टिकर ला ले रहे हैं, और अज्ञानी लोगों को हम लोग ने बताया, देखो भगवान का फोटो फाड़ रहे, तो बीके वाले 7-8 लोग आए, और यहाँ झोपड़पट्टी वाले 25-30 लोग आए, अज्ञानी लोग, दो लोग भाग गए। आप इतना धीरे बोल रहे हैं, वो कोई सुन ही नहीं पा रहे। अरे बम्बई लोगों के पास तो ढेर सारे इक्विपमेंट होते हैं अच्छे अच्छे, एक छोटा सा इक्विपमेंट ऐसा तैयार करो, उधर फेंक दो, वो वहाँ से नजदीक से बोले तो सबको सुनाई पड़े। हैं? और माता बोल रही है हमें नहीं सुनाई पड़ रहा है, क्या बोली आपने सुना, क्या बोली ब्रह्मा कुमारी, बताओ क्यों लिखा है, ऐसे बता रही ना, आपस में आप लोग झगड़ा लगाने का काम क्यों करते हो? कहाँ झगड़ा है, ऐसे ब्रह्मा कुमारी कहते हैं आपस में झगड़ा। ये महाभारी महाभारत युद्ध भगवान ने क्यों कराया, पहले भगवान से पूछो। लोग अपने आप को पांडव बोलते हैं, अपने आप को पांडव तो, युद्ध लगेगा कि नहीं लगेगा? वो लोग बोलते हैं वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप क्यों इधर गंदा काम करने को आ रहे हैं? कौन ये तो जब फैसला होगा तब पता चलेगा ना, युद्ध के बाद ही पता चलेगा ना कौन राइट है कौन रंग है। अभी युद्ध कहाँ हुआ है बाबा? वो लोग बोल रहे 31 दिसंबर 2012 में सब खत्म होने वाला है, ध्यान मत दो पीपी के। हाँ पार्टी सब गलत बता रही है। हाँ हाँ कोई सुनना ही नहीं चाहता, तो युद्ध तो होने दो, युद्ध से डरते क्यों? अच्छा वैसे भी महाभारत युद्ध हुआ तो डरने की स्टेज में कौन थे और निडर कौन थे? कौरवों में ज्यादा परसेंटेज थी डरने वालों की, कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वैसा ना हो जाए। पांडव तो हमेशा निडर होते हैं। और बाबा इस टाइम में उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई थी तो पुलिस वालों ने डायरेक्ट लिख के दिया था ये इनके पेंडॉल की तरफ और आस पास भी आपको आना ही नहीं है एडवांस पार्टी, फिर भी हम लोग दूसरे दिन 70 लोग गए। सफेद कपड़े पहनो जाओ और वो लोग है ना देख कर हमारी संख्या देख कर वो लोग भागे। प्रोग्राम हो गया ना 4 दिन का, वहाँ अभी भाई बता रहे तो माताएं भी गई थी सेवा के लिए, जो 8 प्रश्न के ऐसे बैनर्स लगाए थे और हर एक पोस्टर के पास माताएं भी खड़ी थी भाई भी थे, तो शनिवार के दिन वहाँ बीके के इतने लोग आ गए और ऐसी चैन बनाकर हमारे सामने खड़े रह गए कि हम किसी को सुनने नहीं देंगे। तो भाई वगैरह बोल रहे थे जिनको सुनना है वो तो सुनने के लिए आएंगे ना, तो हमने एक भाई से प्रश्न पूछा आपके पास मना ऐसे बड़बड़ते हमारे पास बाबा है मुरली इनके पास क्या है, तो हमने उनसे पूछा आपके पास बाबा है आपके पास मुरली तो आप हमसे क्यों डरते बाबा, तो आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं ना, तो ऐसे बोला तो एक भाई चुप हो करके ऐसे बाजू में हट गए। और फिर बाबा उन्होंने जो पर्चे छपे उसमें एक ईश्वर एक विश्व एक परिवार ये टाइटल दिया है उन्होंने वो पर्चे के ऊपर, और वही खुद हम वहाँ सेवा के लिए गए तो हमारे से झगड़ा करने के लिए, अभी हम भी व्हाइट यूनिफॉर्म में वो भी व्हाइट यूनिफॉर्म में, तो जो पुलिस वाले थे वो उधर भी देखते थे इधर भी देखते थे, कंफ्यूज हो गए। तो हमने उस पुलिस वाले को कहा कुछ नहीं भाई वो सिर्फ माँ का परिचय देते हैं, हम माँ बाप दोनों का परिचय देते हैं। बाबा मैं भी गई, मैं अकेली गई थी सेवा में, तो वो जो बड़ी दीदी बहन है उनको मैं बोली मैं पहले बीके में जाती थी अभी अनिश्चय में आ गई, तो बाबा तो बोलते त्रिमूर्ति शिव भगवान, तो इधर ब्रह्मा बाबा का पार्ट हो गया तो और शंकर और विष्णु का पार्ट कहाँ है, तो बोलते आप क्या मुझे शंकर पार्टी में आने बोलते हैं, कि मैं बोली नहीं मुझे समाधान चाहिए, जिधर आपको समाधान शंकर पार्टी में मिलता है ना तो आप उधर ही जाइए, मैं बोली नहीं मैं इधर जन्म लिया तो मुझे इधर ही समाधान चाहिए, तो कुछ बोली गुस्से में नहीं आते प्यार से ही बात करते हैं, पहले बात करने को भी मौका नहीं देते थे, अब धीरे धीरे नरम होते जा रहे हैं। अभी ये स्पीकर की सेवा नासिक में हो सकती है, नासिक में पाठशाला अभी चालू हो गई है, तो परमिशन मांग रहे हैं शिवरात्रि के पहले इसे बैनर की सेवा हो सकती है। परमिशन की क्या बात, कोई मना करेगा क्या? बाबा के पॉइंट्स हैं, बाबा की मुरली की बातें हैं,
इसमें परमिशन की क्या बात है? स्पीकर से खाली वही लगाने हैं, बाकी उसने जो फोन नंबर है सब बॉम्बे के ही है, कि फोन उधर ही जाएगा, हम खाली सेवा। और ये बात गलत है, नासिक में आप पेपर छपाएं तो दो चार नंबर जो हैं वो नासिक के जरूर होना चाहिए। ये स्पीकर है ना, उसमें सब बॉम्बे के नंबर, बॉम्बे के गए हैं भले, लेकिन आप जो स्टीकर वहाँ छपवाए उनमें नासिक के दो चार फोन जरूर होना चाहिए। इतना डर के काम करने से थोड़ा ही कुछ चलेगा। अभी आ रही रहते पुलिस का थोड़ा, वो कुछ नहीं, वो कुछ होता नहीं है। वो खुद डरते हैं, बाहुबल उन्होंने चलाए हैं, हम लोगों ने बाहुबल से काम नहीं लिया कहीं भी, उनके बाहुबल के बीच में प्रूफ हमारे पास है। वो डरते हैं कहीं एक मामला कोर्ट में न पहुंच जाए, तूल न पकड़ जाए। बाबा सेलेक्टी में ऐसे हो गया। हाँ। ये स्टेशन का नाम क्या? आबू रोड। आबू रोड स्टेशन पे जो अलग अलग टीम है ना, तो छोटे छोटे पोस्टर लगा रहे थे, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। बड़े जो कुंद भाई दिखाए ना, ऐसे बड़े पोस्टर लगाए तो टैक्सी वाले सभी जो देखे और बहुत खुश हो गए। कई सवाल है, इतने में दो तीन दिखे आए, हमारे लोगों के हाथ पकड़े और जो आबू रोड स्टेशन पे उनका भी कमरा दिया है ना रेलवे ने, उस पे पकड़ के लेके गए सब रिक्शा सब ऑटो वाले सब आके, क्यों पकड़ा, क्या किया, क्या गलत किया। तो मैं हमारे बरखिलाफ करते हैं तो पुलिस लोग बोल रहे उनको पुलिस स्टेशन लेके जाओ, कानून आप हाथ मत ले जाना। तो पुलिस स्टेशन जाने को डरते हैं, बोलो कौन दिए। हाँ बस वो डरते हैं, खुद ही डरते हैं। हमारी लूपहोल खुलेगी, कोर्ट कचहरी में पहुंचेंगे तो सर्तिया उनको हारना पड़ेगा, उनकी ढेर सारी लूपहोल खुल जाएगी। सबसे बड़ी लूपहोल तो उनकी ये है कि ऑल इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं एडवांस के, वो सब ब्रह्मा कुमारी आश्रम से धक्का दे करके निकाले गए हैं, और ये कानून के बरखिलाफ है। मौलिक संविधान की जो धारा है उसके एकदम बरखिलाफ बात है कि कोई सार्वजनिक संस्था में से किसी को धक्का दे के बाहर नहीं निकाल सकता, जनरल पब्लिक को भी नहीं निकाल सकता। आप तो रेगुलर स्टूडेंट थे वहाँ के, 10 साल की सजा है। मौलिक अधिकार के हरण में वो भाई लोग, बाबा ना भाई लोग खुद बोले हमको पुलिस के हवाले करो, पुलिस स्टेशन में हम जाना चाहते तो कोई केस ही नहीं बनता है कि ये लोग डंडे निकाले, क्योंकि उन लोग डंडे निकाले तो वो सब लौकिक वाले एकदम क्रोध में आ गए। आज तक इतनी हाथापाई हुई, इतने कांड हो गए, एक को भी इन्होंने कोर्ट तक नहीं पहुंचने दिया। और इस टाइम में बाबा वो लोग जो 50 लोग आए ना, तो मैं पुलिस को लेके आया, बोला वाला कि गुंडे आ गए, तो पुलिस को लेके आए, वो पुलिस को देख के भाग गए। हमेशा पुलिस तो लेके आते, इस टाइम में हम लोग पुलिस को लेके गए। ओम शांति। बाबा देखिए ना, ये पूरा है वो भाई का नाम है कुमार की, जो बारे में आपने बोला ना उसमें क्या भरत भाई ने जो बताया ना अभी, वो भाई का है, इसमें सब नाम है, रेगुलर में है।